दोस्तों बटपिस एलिमेंटर से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इमेज कैरेसल विजिट के बारे में। इमेज कैरेसल विजिट क्या है और हम बटपिस एलिमेंटर पेज में हम कैसे यूज करते हैं, आखिर किस तरह का ये डिजाइन बनाता है। तो दोस्तों आप भी अगर एलिमेंटर सीख ही रहे हैं, अपना वेब पेज तैयार कर रहे हैं, तो इमेज कैरेसल विजिट यूज करने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर दी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं, आखिर इमेज कैरेसल विजिट क्या है। दोस्तों जब आपको वेब पेज के अंदर मल्टीपल इमेजेस को ऐड करना है विद स्लाइड के साथ, तब आप इस विजिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर छोटी इमेज, बड़ी इमेज, जो भी साइज की लगाना है वो लगा सकते हैं, उसकी स्लाइड भी चलेगी एंड यहाँ पर उसको आप अच्छे तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर लगाना चाहते हैं, हम जाते ऊपर, हम चाहते हैं कि यहाँ एक स्लाइड लग जाए ऊपर की साइड, तो इसके लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रक्चर लेना है। अगर आपको यहाँ पर एक से दो एरिया में आपको इमेज स्लाइड चलानी है, यानी कि इमेज कैरेसल विजिट यूज़ करना है, तो आप दो या तीन स्ट्रक्चर ले सकते हैं, हम फिलहाल एक ही लेंगे। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे वन कॉलम वाले पर एंड यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर है इमेज कैरेसल विजेट, इसको हम ड्रैग करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबाकर और ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड लेफ्ट साइड में काफ़ी फंक्शन हमारे आ जाते हैं, तो चलिए हम इनको सीखते हैं एक एक करके। पहला है दोस्तों यहाँ पर प्लस, ये एक इमेज नॉट सिलेक्ट, तो आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, कितनी आपको इमेजेस रन करनी है वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो आप इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, सब्जी ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर ये ले लेगा। दोस्तों जितनी आप एक सी इमेज यानी कि एक साइज की रखेंगे बेस्ट रहेगा, है ना, आपकी जो स्लाइड है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप इमेज का साइज अलग अलग रखेंगे तो इमेज रन होते समय प्रॉब्लम भी आएगी और उसका साइज भी, लेआउट भी बेकार लगेगा, ठीक है। तो इमेज का साइज एक ही रखें, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट ए न्यू गैलरी पर क्लिक करेंगे, तीनों इमेज सेलेक्ट हो चुकी हैं एंड इमेज गैलरी ये बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों इमेजेस हमारी इस तरह से इंसर्ट हो गई, ठीक। एंड यहाँ पर आपको फिर कस्टमाइज करना है, ये इमेजेस फुल नहीं आ रही, तो यहाँ पर इमेज साइज इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी साइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी साइज चाहिए आप रख लीजिए, तो मैं यहाँ पर लार्ज रखता हूँ। देखिए लार्ज कैसा आ रहा है, देखिए फुल आने लगा। अगर और आपको रखना है तो यहाँ पर फुल रख सकते हो, है ना, ये काफ़ी आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको और अपने तरीके से रखना है तो कस्टम है, कस्टम पर साइज दीजिए, आपका काम हो जाएगा, कितनी आपको रखना है एंड मीडियम रखना है तो मीडियम भी ये आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर लार्ज रख लेते हैं, जो भी साइज है वो आ जाए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन स्लाइड टू शो, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, कितनी आपको स्लाइड रखनी है तो नंबर वाइज आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं डिफॉल्टेड रहने देता हूँ उस ऑप्शन को। स्लाइड टू स्क्रॉल, स्क्रॉल कितनी रखनी है आपको इमेजेस, तो आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर है दोस्तों इमेज स्ट्रेच, दोस्तों इमेज स्ट्रेच अभी नो है, अगर आप एस करेंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, सिंपल एस करेंगे तो यहाँ स्ट्रेच हो जाएगी। फिलहाल ये अगर आप एक इमेज चलाएंगे, जैसे कि मैं चलाता हूँ यहाँ पर एक इमेजेस, ये देखिए स्ट्रेच हो गई, है ना, ये देखिए, है ना। अगर आपको स्ट्रेच करना है, मतलब आपको बड़ा इमेज चलाना है, तो आप यहाँ से भी चला सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो आपको देख लेना है कि स्ट्रेच करना है कि नहीं करना, वो आप पर डिपेंड करता है, यहाँ पर कितनी इमेज चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर मैं तीन ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ इमेज स्ट्रेच को नो। एंड नीचे आते हैं, फिर दोस्तों नेविगेशन, नेविगेशन देखिए दोस्तों इसको डॉट बोलते हैं, इसको एरो बोलते हैं, तो आप क्या रखना चाहते हैं, डॉट एरो दोनों रखना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर एरो रखना है तो एरो को सिलेक्ट करेंगे तो एरो एरो आएगा, डॉट नहीं आएगा। अगर आप डॉट रखना चाहते हैं तो डॉट आएगा, केवल एरो नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप यदि कुछ नहीं रखना चाहते नन कर देंगे, तो देखिए कुछ नहीं आ रहा, तो फिलहाल एरो एंड डॉट दोनों डिफॉल्ट सेट थे, हम वही कर लेते, तो एरो एंड डॉट्स दोनों आ रहे हैं, ये देखिए, है ना। फिर दोस्तों लिंक, अगर दोस्तों स्लाइड में आपको लिंक लगाना है तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करेंगे, तो मीडियम कस्टम दोनों आपके पास लिंक हैं तो सिंपल से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यूआरएल डाल देंगे, जो भी आप लिंक डालें। देखिए मैं यहाँ पर गूगल का डाल देता हूँ फिलहाल प्रैक्टिस के तौर पर एंड इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक।
एंड यहाँ कैप्शन देना है इमेजेस का, तो आप देख सकते हैं जो भी टाइटल आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए ये डला टाइटल है ना, तो फिलहाल हम इसको नन कर देते हैं। कैप्शन डालना है तो कैप्शन डाल दीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन डालना है डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ठीक है, नन कर देते हैं, अपडेट करते हैं, फिलहाल चेक करते कैसा आ रहा है हमारा। एंड यहाँ पर साइड को चेक करते हैं, देखिए स्लाइड आ रही है ना। एंड इस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर इमेजेस गूगल खुल रहा है। देखिए यहाँ पर है ना, जो हमने लिंक बनाया कोई भी इमेजेस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लिंक खुल रहा है ना। तो लिंक भी आपने डाल लिया एंड स्लाइड भी आपने यहाँ ऐड कर ली। अब चलिए नीचे आते हैं, कौन कौन से फंक्शन हमारे पास हो रहे हैं। फिर दोस्तों पोज अवर, अगर आप यस करेंगे और इस पर कोई कर्सर ले जाएगा तो ये रुक जाएगी स्लाइड। ठीक है, अगर आप इसको नो करेंगे और कर्सर ले जाएंगे तो नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। पोज ऑन इंट्रैक्शन, तो आप अपने हिसाब से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यस या नो, जैसे आपको पोज ओवर में सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑटो प्ले स्पीड, आपकी जो स्लाइड चल रही है वो आप कितनी स्पीड रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे मुझे फास्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, जैसे कि अभी 1000 में कर देता हूँ यहाँ 50 पर। ये देखिए अब कितनी फास्ट चलने लगी है ना, ये देखिए है। अगर मैं चाहता हूँ और फास्ट चले तो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, ये देखिए और फास्ट चलने लगेगी, ये देखिए है ना। तो यहाँ से आप स्पीड तय कर सकते हो कि स्लाइड की कितनी स्पीड होना चाहिए, तो यहाँ पर उतनी ही स्पीड ये चलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्फिनिट लूप, यानी कि आप लूप कराना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं कराना चाहते नो कर दीजिए, ये रुक जाएगी स्लाइड। ठीक है, एंड यहाँ पर आप यस करेंगे तो चलने लगेगी। फिर यहाँ पर एनिमेशन स्पीड आपको कितनी देनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर 50 कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन की स्पीड कितनी जा रही है ना। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एनिमेशन की स्पीड कर देता हूँ 10, तो देखिए यहाँ पर एनिमेशन की स्पीड कितनी आएगी है ना, कितनी फास्ट हो गई। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 1000, तो एनिमेशन की स्पीड हो जाएगी इतनी, ये देखिए है ना। तो दोनों ही स्पीड पर काम करते हैं, आपको तय करना है कि मुझे कितनी स्पीड चाहिए। यहाँ पर फिर लास्ट में डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन देख लेना, मुझे लेफ्ट में लूप कराना है कि राइट में, वो आप देख लेना। तो मैं राइट में कराना है तो राइट कर देंगे, लेफ्ट में कराना है तो लेफ्ट में कर देंगे है ना। तो ये ऑप्शन हमारे कंटेंट के रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टाइल, स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पर पोजीशन इनसाइड एंड आउटसाइड, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर है एरो, इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे इनसाइड चाहिए, देखिए एरो आ गया, एरो का साइज आपको बड़ा करना है, देखिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एरो का कलर आपको चेंज करना, तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं जो भी आपको करना है। जैसे मुझे चाहिए ग्रीन एरो का कलर, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए हो गया ग्रीन है ना। तो यहाँ से आप ये तय कर सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पर पेजिनेशन, देखिए डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड रखना है, इनसाइड रखना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इनसाइड में अंदर की तरफ चला गया, एंड आउटसाइड में बाहर की तरफ आ गया। उसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एंड कलर चेंज करना है तो कलर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए इसका स्काई ब्लू, ये देखिए है ना, ये आ गया पेजिनेशन। ठीक है, एंड नीचे आते दोस्तों तो देखते हैं इसके अंदर इमेज से रिलेटेड कुछ और है। तो यहाँ पर स्पेसिंग, आपको कस्टमर कैसी क्या रखनी है, तो यहाँ पर आप इमेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कितना आपको साइज रखना है। ठीक, रेडियस करना है, यानी कि कॉर्नर घुमाना है तो कॉर्नर आप घुमा सकते हैं इमेजेस का। देखिए यहाँ पर कॉर्नर घूम रहा है इमेजेस के, ये देखिए घूम रहा है ना। एंड यहाँ पर आपको जैसा चाहिए आपको इमेजेस वैसा आप सेट कर सकते हो। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गए एडवांस। एडवांस जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी, ये बिटगेट से रिलेटेड, बिटगेट का मार्जिन आप कैसा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। पेडिंग कैसे चाहिए आपको तो वो तय कर सकते हैं। एंड पोजीशन आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। एंड मोशन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो मोशन इफेक्ट आपको कैसा रखना है, जैसे कि फेड इन आए तो ये आ सकता है। एंड यहाँ पर और कुछ चाहिए आपको, बाउंस इन, तो बाउंस इन आ जाएगा, ये देखिए है ना। तो ये आपको देखना है कि मुझे कैसे कस्टमाइज़ करना है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ कलर आ जाए, तो आप कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर है ना। स्लाइड के जो बैकग्राउंड कलर है स्लाइड के पीछे, उसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हो। होवर कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई भी कलर चाहिए होवर, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, रेड सेट किया है तो मैंने यहाँ पर रेड आ रहा है। एंड यहाँ पर इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसे अपडेट कर देते हैं, बाकी सारे ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, वो सेम वैसे ही काम करेंगे। एंड रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अपडेट करते हैं इसको
सॉरी अनसेव इस करके। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड इस तरह से चल रही है, जो बैकग्राउंड हमने पूरा कस्टमाइज कर लिया। तो इस तरह से आप बटफिस एलिमेंटर के अंदर इमेज कैरेसुल विजेट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। कवर एंड थैंक्स एंड बाय बाय।